मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यहां मतदान एक ही चरण में हो रहा है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है, जबकि मतगणना सभी राज्यों की तरह 3 दिसंबर को ही होगी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव को चुनावी मैदान में उतारा है। ये चारों ही मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल है। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद मुख्यमंत्री बनने की इच्छा खुलकर जाहिर करते दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कथित तौर पर सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थक बोल रहे हैं। अटकलों को वो भी खारिज नहीं कर रहे हैं कि इस तरीके की चीजें जो चल रही हैं उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर। सीएम शिवराज की बात करें तो उनके बयानों से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सीएम फेस पर चुप्पी से अटकलों का बाजार और गर्म है। बीजेपी की सूची में बड़े नाम सामने आने के बाद ऐसी अटकलों को बल भी मिला है कि अब ऐसे नेताओं के नाम सीएम की कुर्सी से जोड़े जाने लगे हैं। दावेदारों में अभी पार्टी के 4 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं ही। इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ये भी चर्चा में है। ऐसे में आइए जरा आपको बताते हैं कि शिवराज की विदाई की अटकलों के बाद सीएम के दावेदारों की कतार में कौन से 10 बड़े नाम शामिल हैं। सबसे पहला नाम इस फहरिस्त में आता है नरेंद्र सिंह तोमर का। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी में प्रबल दावेदार हैं, लेकिन ये तब होगा जब वो मुरैना जिले की दिमनी सीट के साथ आसपास की सीटों पर भी अपना अच्छा प्रभाव असर दिखाएंगे। संघ और पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ है, हालांकि उनकी कमजोर कड़ी ये है कि ग्वालियर चंबल के बाहर उनका कोई खास जनाधार नहीं है। इसके साथ ही पार्टी ओबीसी और जातिगत समीकरणों को साधती है तो उनकी दावेदारी कमजोर भी पड़ सकती है। दूसरा नाम प्रहलाद सिंह पटेल का है। नरसिंहपुर से प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद प्रदेश में ओबीसी के बड़े नेता है। इसके साथ ही संगठन और संघ के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग है। वरिष्ठ नेता उमा भारती का उन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त है। यदि पार्टी ओबीसी चेहरे पर दाव लगाती है तो उनकी लॉटरी लग सकती है। हालांकि प्रदेश की राजनीति में वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई पड़ते, ये उनका एक नेगेटिव पक्ष हो सकता है। तीसरा नाम कैलाश विजयवर्गीय, जिनकी चर्चा तेजी से हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर क्रमांक 1 से प्रत्याशी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका है। इसके साथ ही एमपी में पार्टी के नाराज वरिष्ठों को मनाने में भी उनका रोल अच्छा रहता है। प्रदेश की राजनीति से दूर रहे कैलाश की वापसी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में हुई है। संगठन के आला नेताओं के करीबी और भरोसेमंद अपने कद पर भविष्य को लेकर अभी भी कैलाश कई बार इशारा करते रहे। ऐसे में उन्हें सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि इनके बयानों की वजह से पार्टी कई बार असहज जरूर हो जाती है। पिछली बार उन्होंने अग्निवीरों को पार्टी ऑफिस में गार्ड की नौकरी देने की बात कह दी थी, इससे बड़ी फजीहत हुई थी। इसके साथ ही पेंशन घोटाले का भी जिन जो है उनके पीछे लगा रहता है। कुछ नकारात्मक बिंदु हैं, लेकिन ये भी रेस में आगे है। शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एमपी में करीब 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। इनके चेहरे का तोड़ आज भी बीजेपी के पास नहीं है। इसके साथ ही सरल स्वभाव की वजह से उनकी अपनी अलग पहचान भी है। अब तक वो पार्टी के सर्वमान्य चेहरा भी रहे हैं, लेकिन कथित तौर पर पार्टी उनसे छुटकारा चाह रही है, ऐसा लग रहा है। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी अब खुद भी लोगों से ये पूछ रहे हैं कि मैं अच्छी सरकार चला रहा हूं या बुरी, मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। इनकी कमजोरी यह है कि लंबे समय से सरकार में होने के वजह से या सत्ता के खिलाफ जो माहौल, जो एंटी इनकम्पेंसी बनती है, वो बनती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में पार्टी माहौल को बदलने के लिए हो सकता हो इनके चेहरे को आगे ना ले जाए। पांचवा नाम इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इस वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी सत्ता में वापस आई थी। सिंधिया कुछ ही दिनों पहले संगठन के करीब पहुंच गए थे। मोदी कैबिनेट में भी वो अच्छी पोजीशन पर हैं। उनकी देश में अलग पहचान है। हालांकि उनकी कमजोरी ये है कि उनके आने के बाद बीजेपी उनके इलाके में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर की 2 सीटें हार गई थी। उनके शामिल होने के बाद बीजेपी के पुराने नेताओं में असंतोष बढ़ा है। इस वजह से उनकी छवि को भी बड़ा झटका लगा है। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले के निवास से प्रत्याशी रहे हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी नेता हैं, बड़ा नाम है। बीजेपी आदिवासी वोटों पर खास इस बार फोकस कर रही है। पिछले 2 सालों में पार्टी के कार्यक्रमों को देखें तो सबसे ज्यादा आदिवासी महापुरुष पर केंद्रित उनके कार्यक्रम रहे हैं एमपी में।
ऐसे में पार्टी यहां आदिवासी कार्ड को बुनाने में लगी हुई है। इसके साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते के चेहरे पर भी दाव उसी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी की उम्मीदों पर कुलस्ते खरे उतरते हैं तो उनकी किस्मत पलट सकती है। इनकी कमजोरी यह है कि बयानों की वजह से विवादों में ये रहते हैं। वो संसद में नोटों से भरा बैग लेकर भी पहुंचे थे और उस वक्त वो चर्चा में आए थे। वीडी शर्मा लिस्ट का सातवां नाम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खजुराहो से सांसद हैं। बेदाग और स्वच्छ छवि के ये माने जाते हैं, संघ के करीबी हैं, ब्राह्मणों का चेहरा है, युवाओं और कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय है। हालांकि पार्टी ने पिछले 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से दिए हैं। पार्टी की जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने में शर्मा की दावेदारी थोड़ी सी कमजोर जरूर हो सकती है। गोपाल भार्गव शिवराज सरकार के बड़े मंत्री हैं। गोपाल भार्गव वरिष्ठ नेता हैं, 2013 में लगातार चुनाव जीतते अब तक आ रहे हैं। 15 साल से मंत्री पद पर काबिज हैं। भार्गव की छवि बेदाग है। सागर में प्रदेश लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने इशारों में मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि गुरु आज्ञा हुई कि एक चुनाव और लड़ना है। हालांकि ब्राह्मण नेता होने के चलते पार्टी यदि जातिगत या क्षेत्रीय समीकरण साधेगी तो हो सकता हो उनका दावा भी कमजोर पड़ जाए। सुमेर सिंह सोलंकी बड़वानी के शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर से राज्यसभा सांसद बने हैं। उनकी संघ और संगठन दोनों में मजबूत पकड़ है। सुमेर सिंह खरगोन बड़वानी के पूर्व बीजेपी के सांसद माकन सिंह सोलंकी के भतीजे हैं। बचपन से ही वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं। अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर काफी सक्रिय रहे हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं। बीजेपी ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाकर वाकई में चौंकाती रही है। हो सकता हो ये नाम भी आगे आ जाए। और इस फहरिस्त का सबसे आखिरी और बड़ा नाम है नरोत्तम मिश्रा का। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह सरकार में 2 नंबर पर माने जाते हैं। प्रदेश में बड़े नेता हैं। 2018 में बीजेपी चुनाव हार गई। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने का जो एक पूरा ऑपरेशन था, जिसकी सफलता का श्रेय नरोत्तम मिश्रा को ही जाता है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा का कमजोर पक्ष यह है कि वो अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहते हैं। यदि पार्टी जातिगत समीकरण साधती है तो नरोत्तम मिश्रा शायद फिट न बैठे। इस तरह से ये वो 10 नाम हैं जो इस वक्त बहुत तेजी से मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके साथ ही इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।